फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से इंडिया ने इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दिए हैं, जिसने अपनी वर्थ को प्रूव किया था अपने हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में, जो कि दौलत बेग ओल्डी की एयरशिप पे परफॉर्म किए गए थे चाइना बॉर्डर के पास। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीबन 12 हेलीकॉप्टर के जो ऑर्डर हैं वो दिए हैं, और HAL जो है वो इन्हें अगले साल के अगस्त तक डिलीवर करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो LUH है वो इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और उसको काफ़ी कम समय के टाइम पीरियड में बनाया गया है। जहां तक कि इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो जहां भी इसको टेस्ट किया गया है वहां पर इसने निराश नहीं किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस काफ़ी बड़े नंबर में लाइट हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करती हैं, जिसमें चीता और चेतक क्लास के हेलीकॉप्टर आते हैं, जिनका जो रिप्लेसमेंट है वो कई सालों से ड्यू है। तो HAL चेयरमैन R. माधवन द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि करीबन 12 जो हेलीकॉप्टर हैं उनके ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से 6 आर्मी के पास जाएंगे और 6 एयरफोर्स के पास जाएंगे। तो ये पहले लॉट का ऑर्डर है। तो ये जो हेलीकॉप्टर है वो बनकर आएंगे प्रोडक्शन फैसिलिटी तुमकुर से, और डिलीवरी जो है वो अगले साल से चालू हो जाएगी। तो ऐसे करीब 185 हेलीकॉप्टर्स की, यानी कि 185 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि ऐसे माना जाता है कि LUH द्वारा पूरी करी जाएगी। बाकी रिक्वायरमेंट और बड़ी है, जिसमें रशियन कमोव का 226 हेलीकॉप्टर एक दावेदार है। तो इन हेलीकॉप्टर के ऑर्डर के बाद जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगली रिपोर्ट की बात करें, तो जैसा कि हमने कल रिपोर्ट किया था, आर्मी ने करीबन 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स के ऑर्डर दिए हैं, और ये महिंद्रा को दिए गए हैं उनकी LSV के लिए। तो ये जो ऑर्डर संख्या है वो काफ़ी डिसेंट मानी जाती है, 1300 यानी कि 1300 व्हीकल्स की। तो ये जो व्हीकल्स हैं ये करीबन 4 साल के पीरियड में इंडक्ट किए जाएंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अमाउंट 1056 करोड़ है, यानी कि 1056 करोड़। तो ये जो महिंद्रा की LSV है ये एक मॉडर्न फाइटिंग व्हीकल है, और इसको यूज़ किया जाएगा वेरियस फाइटिंग यूनिट्स में, और ये कैपेबल होगी मीडियम मशीन गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स, और यहाँ तक कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कैरी करने में। और ये खाली उन्हें कैरी नहीं करेगी, इनसे वो फायर भी किए जा सकते होंगे। साथ ही साथ इसमें एडिशनल एसेसरीज ऐड करने का भी ऑप्शन होगा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस व्हीकल को इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया है महिंद्रा के द्वारा, और ये काफ़ी एजाइल प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलराउंड प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराता है स्मॉल फायर आर्म के अगेंस्ट में, यानी कि जो आपकी ऑटोमेटिक गन्स हो गई उनके अगेंस्ट में, और ये जो स्मॉल इंडिपेंडेंट डिटैचमेंट्स होते हैं उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो ये साइज़ में नॉर्मल SUV से थोड़ी बड़ी होती हैं, और काउंटर टेररिस्ट इन्वायरमेंट में ये अपने वर्थ को प्रूव करेगी। तो इसके जो ऑपरेटिंग ऑप्शंस हैं उसमें पेट्रोलिंग हो सकती है हाई इंटेंसिटी एरियाज़ में, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस हो सकते हैं, क्विक रिएक्शन टीम यूज़ कर सकती हैं, इनसे डेजर्ट रेड करी जा सकती है, साथ में इनको रिकॉग्निजेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट पे। तो इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा सक्सेसफुल लाइव फायरिंग टेस्ट किए गए हैं बराक एयर डिफेंस सिस्टम के। तो ये नॉर्मल बराक मिसाइल नहीं है, ये बराक ER की बात हो रही है। तो इस मिसाइल के मल्टीपल टेस्ट किए गए हैं, जो इंक्लूड करता है एक बैलिस्टिक मिसाइल के इंटरसेप्शन को भी। तो ये जो बराक ER मिसाइल है इसको डेवलप किया है IAI ने, और ये कैपेबल है बैलिस्टिक मिसाइल और नॉन बैलिस्टिक थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए करीबन 150 किलोमीटर की रेंज तक। तो ये जो एक्सटेंडेड रेंज है ये पॉसिबल हुई है इसके मल्टी मोड रडार सिस्टम को एनहेंस करने पर, जो कि अब 150 किलोमीटर की रेंज तक देखकर मिसाइल को गाइड कर सकता है। तो इस मिसाइल में एक बड़ा बूस्टर है, ड्यूल पल्स मोटर है, और एक एडवांस्ड रडार होमिंग सीकर है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो बराक सैम है और बराक 8 वर्जन है वो इंडिया के साथ सर्विस में है, और उस पर बेस्ड जो MR सैम है उसका भी प्रोडक्शन चालू हो गया है। तो इस नए वेरिएंट के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद ये पॉसिबिलिटी भी आ जाती है कि भारत द्वारा इनको यूज़ किया जा सकता है। ये बराक रेंज की जो मिसाइलें हैं ये काफ़ी कैपेबल मिसाइलें हैं, जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डिफरेंट ट्रायल्स में अच्छे से प्रूव किया है। तो यहाँ से अब अपनी आखिरी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ द आर्म फोर्सेस ने करीबन 367 मेगा NG मिसाइल का ऑर्डर दिया है।
तो ये पहले से जो मीका मिसाइल सर्विस में है उसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, जिसकी डिलीवरी जो है वो 2028 से लेकर 2031 के बीच में करी जाएगी। तो टोटल 567 मीका एनजी प्लान करी गई हैं, जिसमें 200 मिसाइल जो पहले से ही ऑर्डर कर दी गई हैं वो भी शामिल हैं, जिनकी डिलीवरी जो है वो 2026 से स्टार्ट होगी। यानी कि ये जो मीका एनजी मिसाइल्स हैं ये 2026 से ही फ्रेंच आर्म फोर्सेस को डिलीवर होना चालू हो जाएंगी। तो मीका एनजी की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं मीका के दो वेरिएंट हैं, पहला आईआर है, दूसरा आरएफ है। आईआर वाला जो वेरिएंट है वो इमेजिंग इंफ्रारेड को यूज़ करता है, और जो आरएफ वाला वर्जन है वो एक्टिव होमिंग को यूज़ करता है, जिसके लिए उसमें एक रडार लगा हुआ है। तो इन मिसाइल की जो रेंज है वो करीबन 80 किलोमीटर के आसपास मैक्सिमम बताई जाती है, यानी कि 80 किलोमीटर्स। और ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल्स हैं जो कि करीबन 50G तक के टर्न्स ले सकती हैं। तो एनजी जो वर्जन है उसमें पहले तो रेंज एनहेंस होगी, जहां पर ये करीबन 100 किलोमीटर्स के आसपास हो जाएगी। दूसरी चीज़, ईईएसए सीकर को यूज़ किया जाएगा आरएफ वाले वर्जन में, और जो आईआर वर्जन का इंफ्रारेड सीकर है वो मैट्रिक्स सेंसर पर बेस्ड होगा, तो इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो सेंसर जो है बेटर हो जाएंगे, तो उनका साइज़ कम हो जाएगा और ज़्यादा स्पेस बचेगा ज़्यादा प्रोपेलेंट डालने के लिए, जो कि इसकी रेंज को एक्सटेंड कर देगा। जो रेंज है वो 100 किलोमीटर्स को क्रॉस करेगी, और बात ड्यूल पल्स मोटर को भी यूज़ करने की आ रही है, जिसकी वजह से जो एंड गेम है उसमें इसकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के भी सर्विस में है, जहां पर मिराजेस जो है वो मीका को फायर करने में सक्षम है, और जो रफाल्स हैं वो भी मीका मिसाइल को यूज़ करते हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि इंडिया इन नेक्स्ट वर्जन्स को भी अपनी सर्विस में ले। तो इसी बात पर इन अपडेट्स को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।